हैदराबाद में हैवानियत को अंजाम देने वाले चारों आरोपियों को हैदराबाद पुलिस की तरफ से मार गिराया गया है। तो हैदराबाद गैंग रेप मर्डर केस के चारों आरोपी एनकाउंटर में मारे गए हैं। हैदराबाद में नेशनल हाईवे 44 के पास पुलिस ने भाग रहे चारों आरोपियों को ढेर कर दिया था और आज सुबह 3 बजे मौके वारदात पर क्राइम सीन रिक्रिएट करने गई थी पुलिस और इसी दौरान चारों आरोपी भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने उन्हें रोका, जब वो नहीं रुके तो एनकाउंटर में इन चारों आरोपियों को मार गिराया गया। घटनास्थल पर मौजूद भीड़ ने जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, फूल बरसाए हैं। तो देश भर में पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर खुशी का माहौल है। जीत जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं की माना जा रहा है। तो क्राइम सीन पर मुठभेड़, पुलिस कार्रवाई में ढेर हुए चारों आरोपी। तो क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए पहुंची थी पुलिस इन चारों आरोपियों को लेकर नेशनल हाईवे 44, जहां पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया। और उस दरिंदगी ने देश भर को जिस तरह से झकझोर कर रख दिया था, हैदराबाद पुलिस की इस कार्रवाई ने अब लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला दी। और शायद यही वजह है कि हैदराबाद पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर जिंदाबाद के नारे लोगों ने लगाए, यहां तक कि फूल बरसाकर उनकी इस कार्रवाई का लोगों ने स्वागत किया है, खुशी जाहिर की। NH44 की तस्वीरें भी हमने दिखाई थी, किस तरह से वहां पर स्कूल जाती बच्चों की एक बस गुजर रही थी, उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी, जो इसकी वानगी दिखा रही थी कि जिस देश में हम रह रहे हैं वहां दरिंदे हैं, उन दरिंदों के चलते लोगों के मन में, बच्चियों के मन में डर था, उस डर से कहीं ना कहीं आजादी मिली। तो जहां हुई दरिंदगी वहीं हुआ इंसाफ। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और शायद यही उदाहरण यहां पर पेश हुआ है कि जहां दिशा के साथ दरिंदगी की गई, हैवानियत की सभी हदें पार की गई, उस हैवानियत की सजा भी इन दरिंदों को उसी जगह पर मिली जहां पर उन्होंने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। तो क्राइम सीन से भागने की कोशिश की फिराक में थे लेकिन इसी दौरान पुलिस ने एनकाउंटर कर इन चारों आरोपियों को मार गिराया। पुलिस की कार्रवाई को लेकर पूरे देश भर में इस वक्त बेहद खुशी है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर कुछ लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक प्लान के तहत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, लेकिन ये 3 तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं वो दिशा जो देश की बेटी, जिसके साथ हैवानियत दरिंदगी की सभी हदें पार की गई, वो ये चार आरोपी जिन्होंने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया था। और ये 3री तस्वीर एनकाउंटर में ढेर हुए उन चारों आरोपियों की, ये वही क्राइम सीन है जहां पर इस घिनौने कृत्य दरिंदगी को अंजाम दिया गया। और यहीं पर क्राइम सीन को रिक्रिएट कराने के लिए पुलिस इन आरोपियों को लेकर पहुंची थी लेकिन इसी दौरान ये आरोपी भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया। और वहां मौजूद लोग अब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं और यही कह रहे हैं ये महिलाओं की जीत है और उन दरिंदों को एक अंजाम तक पहुंचाकर एक नजीर हैदराबाद पुलिस ने पेश की है। तो अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल रहा है और सभी की जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द है कि काबिले तारीफ, और बाकी राज्यों की पुलिस को भी इसी से सीख लेनी चाहिए। ये उस दौरान की तस्वीर नेशनल हाईवे 44 की, जहां पर ये बच्चों की बस गुजर रही है, स्कूल बच्चों की बस है और इस बस में सवार जो तो चेहरे पर एक खुशी, और ये खुशी कहीं ना कहीं उस जीत की, जिस एनकाउंटर में ये दरिंदे मारे गए उनको एक अंजाम तक पहुंचाकर एक आजादी की खुशी, एक
झलक इन बच्चों के चेहरे से साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि आज देश में फिलहाल इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, लेकिन दावों के बीच जब बच्चा घर से बाहर निकलती है, चाहे वो पेरेंट्स हो, पति हो या फिर कोई पिता हो, ये तमाम उनके जहन में सवाल चलते हैं कि उनकी बच्ची घर से बाहर तो निकल गई है, लेकिन क्या वो सुरक्षित घर से बाहर निकलने के बाद घर वापस लौटेगी या नहीं। तो लेकिन अब जिस तरह से हैदराबाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है, उसको देखिए किस तरह से अप्रिशिएट किया जा रहा है। बाहरी भीड़ वहां पर मौजूद जहां पर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया और फूल बरसाए गए, जिंदाबाद के नारे लगाकर पुलिस की हौसला अफजाई। तो जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती, लंबी प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता है, अब उसी लंबी प्रक्रिया को अगर खत्म कर दिया गया है तो कुछ समाज के तबके इस एनकाउंटर को फर्जी करार दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार अपनी राजनीति को छिपाने और अपनी पुलिस प्रशासन नाकामी को छिपाने की कोशिश इस एनकाउंटर के जरिए की गई है। लेकिन देश में ज्यादातर लोगों की यही आवाज है कि पुलिस ने जो किया वो सही किया, अगर आरोपी भागेंगे तो इस तरह की कार्रवाई होगी, ऐसे दरिंदों के साथ इसी तरह से पेश आना चाहिए। और इस कार्रवाई के साथ पूरे देश को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश उन दरिंदों को जो इस तरह की घिनौनी हैवानियत भरी वारदातों को अंजाम देते हैं, जो बच्चियों महिलाओं पर बुरी नजर रखते हैं। तो अगर बच्ची और महिलाओं पर इस तरह की बुरी नजर रखी गई तो ऐसा ही हश्र अब आगे देश में होने वाला है, और शायद यही देश भर से आवाज उठ रही थी कि इन दरिंदों को पब्लिक को सौंपा जाए, इनको फांसी दी जाए, जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई हो। और हालांकि यहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट कराने के लिए लेकर पहुंची थी पुलिस, अगर वो नहीं भागते तो शायद ये मामला बहुत लंबे तक जाता, क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण निर्भया केस है कि आज तक दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है, फांसी नहीं हुई है। तो ऐसे में उस लिहाज से पुलिस की ये कार्रवाई, हैदराबाद पुलिस की हौसला अफजाई लाजमी है। लोगों में खुशी का माहौल है, बच्चियों में किस तरह से खुशी दिखाई दे रही थी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो साफ बयां कर रही है कि वो पुलिस की इस कार्रवाई से बेहद खुश। ये लाइव तस्वीरें उस दौरान आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर इस पूरे तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हैदराबाद नेशनल हाईवे 44 की, जहां पर ये एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, जहां पर दरिंदगी की गई थी 27 नवंबर को देश की बेटी दिशा के साथ। लेकिन अब भीड़ को देख सकते हैं आप किस तरह से वहां पर भीड़ मौजूद है और जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस और बाकी जो अधिकारी मौके पर मौजूद है और तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को अब इस लंबी प्रक्रिया के तहत गुजरना होगा, जहां ये दोषी एक लंबी प्रक्रिया के तहत सजा तक पहुंचते, लेकिन अब जिस तरह से इन दोषियों का खात्मा किया गया है, इन दरिंदों को एक अंजाम तक पहुंचाया गया है, उसके तहत अब आगे की चुनौती पुलिस के लिए जरूर रहेगी, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया के तहत उन्हें गुजरना होगा। क्योंकि कुछ लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि पुलिस ने पूरे प्लान के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, लेकिन आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो आरोपी है वो उनकी गन को हथियार को लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया। ये सीधी तस्वीरें हैदराबाद के नेशनल हाईवे 44 की, भारी भीड़ मौजूद, जिंदाबाद के नारे यहां पर लगाए गए हैं पुलिस की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए। तो जहां दरिंदगी वही इंसाफ, तो भगवान के घर देर नहीं, देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो नेशनल हाईवे 44 पर मुठभेड़ में ये चारों आरोपियों को मार गिराया गया है। तो अब जो दिशा के पेरेंट्स हैं, उनकी बहन है, उन्होंने कहा है कि इस कार्रवाई से दिशा की आत्मा को शांति मिली होगी। तो जो हुआ अच्छा हुआ, निर्भया
कि जो माता पिता है वो भी यही कहते नजर आए कि पुलिस ने जो किया वो बहुत अच्छा है। हैदराबाद पुलिस ने एक नजीर पेश की है, क्योंकि जो आज भी वो सीन को, उस पल को महसूस करते हैं जो 7 साल पहले उनकी बेटी के साथ हुआ, वो आज भी उसको जी रहे हैं, उस तकलीफ में है। जब वो कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, पुलिस से सामना करते हैं, तो इस तरह के शब्द, इस तरह के सवालों का उनको सामना करना पड़ता है, जिसके बाद एक जीता जागता पल उनके सामने आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि हैदराबाद पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की है, अब उस परिवार को तो इस तकलीफ से गुजरना नहीं पड़ेगा। तो अब एक नजीर हैदराबाद पुलिस ने पेश की है, ये कहना निर्भया के माता पिता को, क्योंकि 7 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक निर्भया के दोषियों को फांसी नहीं हुई है, और शायद अगर आज ये आरोपी जिंदा होते तो ये भी उसी प्रक्रिया के तहत गुजरते और इनका कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि जिस तरह से दिशा के साथ पूरा घटनाक्रम घटा, हैवानियत हुई, उसके बाद भी इस तरह के मामले थमे नहीं, इस तरह के मामले एक के बाद एक नजर आए, जहां उन्नाव में एक रेप पीड़िता जो इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही थी, उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और उसका जिंदा जलाने की कोशिश हुई। 90% वो पीड़िता जल चुकी है, स्थिति बेहद गंभीर है। लखनऊ से दिल्ली एयरलिफ्ट यहां पर किया गया, तो स्थिति आप लोग खुद समझ सकते हैं कि देश में इस वक्त महिलाओं को लेकर क्या है। लेकिन जिस तरह से हैदराबाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, उसके चलते लोगों में खुशी का माहौल। हैदराबाद एनकाउंटर पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि यूपी पुलिस को हैदराबाद पुलिस से सीख लेनी चाहिए, हैदराबाद पुलिस का काम सराहनीय है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से ये तमाम बातें, हैदराबाद पुलिस की तारीफ करते हुए, हैदराबाद पुलिस ने अच्छा काम किया है, सख्त कानून बनाने की जरूरत है, तो यूपी पुलिस को हैदराबाद पुलिस से सीख लेनी चाहिए। तो जो अब तक यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते रहे थे, वो अब सीख लेने की बात हैदराबाद पुलिस से कर रहे हैं। बसपा पूरे उत्तर प्रदेश में आए दिन औरतों के साथ, जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, ये आम हो गई है, लेकिन सरकार बिल्कुल सोई हुई है। ये बड़े दुख की बात है। मैं समझती हूँ कि यहाँ की पुलिस को, मेरी गवर्नमेंट के समय में ऐसा नहीं होता था, होता था। इनकाउंटर के बाद आए, आने के बाद मालूम है, मतलब यहाँ पर पुलिस वाले इनकाउंटर करे बोले तो सब लोग यहाँ पर नाजरीन देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए हम लोग तेलंगाना पुलिस को बहुत ही मुबारकबाद देते हैं, और तेलंगाना पुलिस हमारे लिए कुछ कर सकती है बोल के हमें उम्मीद हुई है, और बहुत खुश है हम लोग। आज इतने खुश है कि बता नहीं सकते खुशी, इसीलिए तेलंगाना पुलिस जिंदाबाद, तेलंगाना पुलिस, तेलंगाना पुलिस, तेलंगाना पुलिस। कौन बात करते हैं और हिंदी में कौन, आपका नाम? सतीश है। क्या हुआ यहाँ पे, क्या क्या चल रहा है? ये क्या बोल रहे हैं, ये एनकाउंटर करे ना, ये किसका बोलते, लेडीज तरफ से पैसा करा बोल के, हाँ एनकाउंटर करा सो है वो, ये अच्छा करे तेलंगाना पुलिस वाला, कहीं को बोले तो दूसरा जना नहीं कर सकते ऐसा, अभी तो अच्छी दिखा, ऐसा गलीजों को ऐसे मारने का अच्छा रहता, वही इन लोगों को ऐसे मारना चाहिए, कोई भी औरत और एक लड़कियां कोई भी नहीं, ऐसा होना चाहिए, वही ना होना चाहिए। जय तेलंगाना पुलिस जिंदाबाद, तेलंगाना पुलिस। लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, और ऋषि कपूर ने अब ये ट्वीट करके तेलंगाना पुलिस को कॉन्ग्रेचुलेशंस किया है, मुबारकबाद दी है, तो ब्रावो तेलंगाना पुलिस, माय कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये ऋषि कपूर जो कि अभिनेता है, उन्होंने ट्वीट कर तेलंगाना पुलिस की इस कार्रवाई को अप्रिशिएट किया है, मुबारकबाद दी है। और न सिर्फ ये बॉलीवुड जगत से, बल्कि अब राजनेता भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि जो पुलिस ने किया वो सही है। तो बाकी राज्यों की पुलिस को भी तेलंगाना पुलिस की इस कार्रवाई से सबक लेना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी घटना थी, चार इस घटना को अंजाम देने वाले सभी पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी अभिनंदन के पात्र हैं। उमा भारती की तरफ से ये ट्वीट,
तो मैं अब विश्वास कर सकती हूं कि दूसरे राज्यों के शासन में बैठे हुए लोग अपराधियों का तत्काल ऐसे ही अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो ये वो ट्वीट है जो उमा भारती की तरफ से तेलंगाना पुलिस की तारीफ करते हुए कहा गया। तो गैंग रेप हैवानियत के चारों आरोपियों को मार गिराया गया है, जिसके बाद तेलंगाना पुलिस के तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। तो वहीं जहां एक तरफ पूरा देश अच्छा बता रहा है, तो वहीं दिशा के माता पिता और बहन का यह कहना है कि पुलिस ने जो कार्रवाई की वो अच्छा है और दिशा की आत्मा को इससे शांति मिलेगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने वो आपको सुनवाते। जो हमारा बच्ची मर के आज 10 दिन हो गए, 10 दिन के अंदर उनको इनकाउंटर में मार दिया। मैं उसको बोलिए गवर्नमेंट तेलंगाना सरकार और पुलिस और मैं जो मेरे साथ लोगों को सबको बता ही दे देता हूँ। Accused have been encountered and I feel very happy for it and I think this would be an example and nobody will even think of doing it. And I think it's a record time they have did this. I would like to extend my thanks to each and every people who has supported us, as well as police, media, and Telangana government, and everyone. देखिए मैं इन 7 सालों में मैं आज भी 2012 में खड़ी हूँ, हाथ जोड़ के कोर्ट में खड़ी हूँ, किसी रोड पे खड़ी हूँ, किसी मंत्री के घर में खड़ी हूँ कि मुझे इंसाफ दीजिए। लेकिन मैं आज जरूर कहना चाहूंगी कि हैदराबाद में जरूर कुछ बदला है, जो पुलिस ने किया है आज जरूर कुछ बदला है। जो उनको इस तरह से 10 दिन के अंदर सजा मिल गई, भगवान ने भी साथ दिया है उस परिवार का, उस परिवार को संघर्ष। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं चैनल के माध्यम से बोली थी कि उनको हमारे तरह संघर्ष ना करना पड़े, आज वो बात सच हो गई, उनको 10 दिन में इंसाफ मिल गया, उनके बच्ची को इंसाफ मिल गया। मैं यही चाहती हूँ।